साथियों, चैनल मातृणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सिंघाड़े के आटे की ऐसी बर्फी जो खाने में तो बहुत लजीज है ही और साथ में बहुत नरम भी है। और इसे आप जिन लोगों के दांत कमज़ोर हैं या जो कड़क वाली बर्फी नहीं खा पाते हैं उनके लिए भी ये खाने में बड़ी सहूलियत कारी है। तो चलिए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। इसके लिए हमें फुल क्रीम दूध चाहिए, ये करीब 3 पाव के लगभग है, और 4 से 5 टीस्पून सिंघाड़े का आटा और करीब 1 टीस्पून भर के हमें खसखस चाहिए। इसमें हमें चाहिए शक्कर। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार जितनी चाहे उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौड़ा बर्तन लेंगे और उसमें दूध को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने दूध रख दिया है और इसमें अब हम शक्कर भी ऐड कर देंगे। गर्म होता है, हम इस सिंघाड़े के आटे को घी में थोड़ा सा सेक लेंगे। घी हमें चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा, करीब 1 टीस्पून के लगभग। सारा दूध उबलने के लिए नहीं रखा है, करीब आधी कटोरी दूध ऐसे ही ठंडा हमें रखना है। तो इसका क्या उपयोग है ये आपको आगे पता चलेगा। सिंघाड़े का आटा सेकने के लिए मैंने यहाँ पर घी गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें सिंघाड़े का आटा डाल करके इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। सिंघाड़े के आटे को लगातार चलाते हुए आपको भूनते जाना है। लगभग भून चुका है, अब गैस को बंद करके इसे ऐसे ही, चूंकि कढ़ाई गर्म है तो इसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। आधी कटोरी दूध हमने यहाँ पर बचा कर रखा था उसमें ये भुना हुआ आटा डाल देना है। और आटे को अच्छी तरह से दूध में घोट लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बचे। इसे अच्छी तरह से मिलाना है और इसकी सारी गुठलियाँ फोड़ लेना है और बिल्कुल एक स्मूथ सा आपका ये घोल तैयार हो जाएगा सिंघाड़े के आटे और दूध का। बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है ये घोल, ये अच्छा स्मूथ सा एक घोल तैयार हो गया है। आप हमने जो दूध उबलने के लिए यहाँ पर रखा था वो भी अच्छे से, इसमें भी अच्छी उबाली आ गई है और शक्कर भी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब ये जो हमने घोल तैयार किया है इसे हम दूध में डाल देंगे। डालते वक्त बिल्कुल आपको हिलाते जाना है, नहीं तो इसमें फिर गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो इसे हिलाते हुए ही दूध में आपको मिक्स करना है और इसे पूरे समय हिलाते हुए पकाना है। देखिए अब ये दूध गाढ़ा होने लगा है और इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो तली में बैठ कर चिपक जाएगा। क्योंकि हम ये उपवास के लिए बना रहे हैं तो अगर आप लोग उपवास में खसखस खाना कब अलाउ करते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैं यहाँ खुशबू के लिए इलायची डाल रही हूँ, तो जो उपवास में खाते हैं वो लोग डालें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो लगभग इससे थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे और फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह की इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए। ये इससे थोड़ा सा और हमें गाढ़ा करना है, करीब 2 मिनट के लिए और हम इसे पकाते हैं। अब ध्यान रखना है कि इसमें जो गुठलियाँ बन रही हैं उन्हें हम तोड़ते जाएं, नहीं तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। गुठलियों को भी तो तोड़ते जाना है और लगातार चलाते हुए अगर हम इसे बनाते हैं तो उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ जाएंगी। तो एक तो आ जाती है तो उसे हम तोड़ देंगे। Thank you.
लेंगे और इसे हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे। हमें अभी इसे थोड़ी देर हिलाना है क्योंकि कैनवरी जो कढ़ाई है वो गर्म है, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे तली में चिपक जाएगा। पहले थोड़ी सी इस प्लेट में खसखस डाल देंगे, इस तरह से पूरी प्लेट में आपको खसखस इस तरह से स्प्रेड कर देना है। करते हुए इसे पूरी प्लेट में फैला देना है और इसे पूरा इसे प्लेन कर लेना है। बाकी जो खसखस बची है उसे इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देना है। फ्रिज में रख देंगे। 10 से 15 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसके बर्फी जैसे पीसेस काट करके अभी आवाज आएगी, मैं नहा रहा हूँ ना। तो ये मैंने इसके पीसेस काट लिए, अब हम इसे बड़ी सावधानी से निकाल के रख लेंगे और ये हमारी डिश खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक विशेष ध्यान ये देना है कि ये खपाड़े को आप फ्रिज में अगर अच्छे से ठंडा करेंगे तो ही ये प्लेट छोड़ पाएंगे। इसे ठंडा करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसे निकाल के रखना है। अब हमारे खपाड़े बनकर तैयार हो गए हैं और ये एक अच्छी सी रेसिपी है उन लोगों के लिए जिनके दांत कमज़ोर होते हैं और जो इस तरह की सिंघाड़े की चटनी या कोई कड़क चीज़ उपवास में नहीं खा पाते हैं। तो ये मीठा भी हो जाता है और साथ में नरम भी होता है जो खाने में बहुत सहूलियत देता है। तो यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।